हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम इंग्लिश NTA पेपर 2 के तहत यूनिट नंबर 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म के तहत नेक्स्ट क्रिटिक लेंगे और उनका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। तो आज जो क्रिटिक हम लेने वाले हैं उनका नाम है दोस्तों बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से इनके बारे में जानते हैं। ये एज अ राइटर और एज अ क्रिटिक दोनों वे से ही मशहूर हैं। तो बेन जॉनसन ने क्या क्या इंग्लिश क्रिटिसिज्म में योगदान दिया है, क्या इनकी फिलॉसफी है, क्या इनकी स्टेटमेंट है, वो सारा आज हम देखेंगे। तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें, आ रहे हैं दोस्तों आपके सामने नन अदर देन बेन जॉनसन। तो आइए देखना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, बेन जॉनसन के बारे में मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहती हूँ वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इनके क्रिटिसिज्म वाले वर्क देख लेंगे। तो कौन कौन से इनके ऐसे वर्क हैं जो क्रिटिसिज्म बता रहे हैं। आप सब जानते हैं अभी तक हमने जो भी क्रिटिक लिए हैं सबके ही क्रिटिसिज्म वाले वर्क हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। तो एक इनका क्रिटिसिज्म वाला वर्क है पोएटेस्टर। कौन सा है दोस्तों? पोएटेस्टर। एक इनका वर्क है कन्वर्जेशन विद रिमांड। और एक इनका वर्क है टिम्बर, जिसको हम डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर भी कहते हैं, और करके है ना। तो टिम्बर का ही दूसरा नेम है डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर। ठीक है, तो बेन जॉनसन के कौन कौन से क्रिटिसिज्म वर्क हमने देखे? पोएटेस्टर, कन्वर्जेशन विद रिमांड और टिम्बर, जिसका दूसरा नाम क्या है? डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर। तो आइए थोड़ा सा इनको गुनगुना लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, ताकि आपको ये याद होने में मदद मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पोएटेस्टर, कन्वर्जेशन विद रिमांड, टिम्बर, डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर, टिम्बर डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर। तो ये हमारी निंजा टेक्निक है, जितना हम गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उतना हमारे दिमाग में टफ से टफ जो राइटर के नेम है वो याद हो जाते हैं। तो इसको आप साथ साथ में यूज़ करते रहें। तो अभी हमने जो भी बेन जॉनसन के क्रिटिसिज्म वाले वर्क थे उनके नाम देख लिए और उनको माइंड पे बिठाने के लिए जो है निंजा टेक्निक भी अपना ली। इसके बाद दोस्तों, ये क्या चाहते थे? ये कहते थे वॉन्टेड राइटर्स टू राइट नोइंगली नॉट बाई चांस। तो ये बहुत ही एक्स फैक्टर पॉइंट बेन जॉनसन ने कहा था, जिसमें वो क्या कहते थे कि वो ऐसे राइटर चाहते हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं कि बाई चांस लिख रहे हैं कि हाँ जी कुछ और नहीं है तो चलो कुछ लिख लेते हैं, बल्कि वो जो भी लिखें वो नोइंगली लिखें, उनको पता हो कि वो क्या लिख रहे हैं, उनको वैल्यू हो राइटिंग की, उनको वैल्यू हो राइटर की। ऐसा नहीं कि कुछ भी बाई चांस आ रहा है तो वो लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही एक्स फैक्टर और की फैक्टर बेन जॉनसन ने राइटर्स को लेकर बताया था कि राइटर शुड राइट नोइंगली। एक कोई भी राइटर जो है उसको नोइंगली लिखना चाहिए, उसको पता होना चाहिए अगर वो कोई चीज़ लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, उसके पूरे माइंड में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि भी कुछ भी वो उठा के लिख रहा है। राइटर शुड नॉट राइट बाय चांस बट शुड राइट नोइंगली, ताकि वो अपने वर्क के साथ जस्टिफाई कर सके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, ही एडवोकेटेड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एडवोकेटेड होता है किसी को प्रेफरेंस देना, किसी को तवज्जो देना। तो वो ऑर्डर और डिसिप्लिन को एडवोकेट करता था, उसको प्रेफरेंस देता था, उसको तवज्जो देता था। यानी कि वो कहता था कि जब कभी किसी भी राइटर ने लिखना है वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लिखे, प्रॉपर एक ऑर्डर, एक सिस्टमेटिक वे के साथ लिखे। ये जो थर्ड पॉइंट मैं अभी बता रही हूँ ये इसके सेकंड पॉइंट से संबंधित है। सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि वो बाय चांस ना लिखे, नोइंगली लिखे, मतलब उसको पता हो कि वो कुछ लिख रहा है। तो उसी से ये थर्ड पॉइंट संबंधित है
कि ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन नोइंगली लिख रहा है, अगर किसी पर्सन को वैल्यू है, उसको पता है कि मैं ये लिख रहा हूँ एंड ऑल, तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर के साथ चलेगा, सिस्टमैटिक वे के साथ चलेगा और एक डिसिप्लिन भी उस पर होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है नोइंगली लिखे, बाय चांस नहीं। और थर्ड पॉइंट है जो भी लिख रहा है उसमें प्रॉपर ऑर्डर यानी कि प्रॉपर एक सिस्टम हो और डिसिप्लिन हो। तो कोई भी जब नोइंगली लिखता है, सोच समझ के लिखता है, उसमें ऑर्डर, सिस्टम और डिसिप्लिन ऑलरेडी होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जो एरिस्टोटल हैं, ठीक है, जिनको एज अ क्रिटिक मैं पीछे करा चुकी हूँ, उनका जो पोइटिक्स वर्क है, एरिस्टोटल का पोइटिक्स मैंने बताया था ना, दो वर्क हमने एरिस्टोटल के किए थे। एक पोइटिक्स किया था जिसमें उसने आर्ट ऑफ पोइट्री यानी कि पोइट्री लिखने की कला बताई थी, और एक हमने किया था रिटोरिक जिसमें उसने आर्ट ऑफ स्पीकिंग या स्पीच उसमें बोलने की कला उसने बताई थी। तो बेन जॉनसन की खास बात क्या है, इसने जो मैक्सिमम स्टेटमेंट दी है, मैक्सिमम जो उसने क्रिटिसिज्म दिया है, वो एरिस्टोटल के पोइटिक के साथ एग्री करते हुए दिया है। तो जो ऑलरेडी एरिस्टोटल कह चुका है, जो ऑलरेडी एरिस्टोटल ने क्रिटिसिज्म दिया है, वही सेम चीज़ें घुमा फिरा कर बेन जॉनसन ने कही हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि एरिस्टोटल का जो पोइटिक्स वर्क है उससे बेन जॉनसन ने अपने जो है मैक्सिमम पॉइंट्स क्रिटिसिज्म के ड्राइव किए हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फॉलोड थ्री यूनिटी स्ट्रिक्टली। तो मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में तीन यूनिटी होती है, टप्पा चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, पर यहाँ पे चप्पा चप्पा नहीं, यहाँ पे टप्पा टप्पा है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, तीन यूनिटी हैं, टी फॉर टाइम, पी फॉर प्लेस, ए फॉर एक्शन, कि जब कभी कोई भी ड्रामा लिखना है उसमें टाइम, प्लेस और एक्शन वाली यूनिटी होती है। बेसिकली हमारा ट्रेडिशनल वे है लिटरेचर लिखने का, ये ऑलरेडी मैं पिछले एक लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ कि ये तीन यूनिटीज़ क्या हैं, इसका क्या मतलब है। तो बेन जॉनसन एग्री था स्ट्रिक्टली इन तीनों को फॉलो करने के लिए, ये कहता था कि ये तीनों ही यूनिटी हमने अपने वर्क में फॉलो करनी है। तो यहाँ पे भी एक बात मैं अगेन रिपीट कर देना चाहती हूँ, हम जितने भी क्रिटिक कर रहे हैं सब में घूम फिर के सेम ही बातें हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो जो सेम बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए, ताकि चाहे एक ही राइटर के प्रश्न आ जाएं पेपर में या अलग अलग राइटर को कंबाइन करके उनकी क्रिटिसिज्म से प्रश्न दिया हो, तो यू शुड नो कि किसने क्या कहा है। तो पीछे हमने क्रिटिक किया था वो भी तीनों यूनिटी को फॉलो कर रहा था, बताइए वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मैंने ऐसा क्रिटिक बताया था जो तीनों यूनिटी को मान रहा था। बेन जॉनसन भी तीनों यूनिटी को मान रहा है कि हमको तीनों यूनिटी टाइम, प्लेस और एक्शन की बतानी है। और नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट डू यू मीन बाय दिस थ्री यूनिटी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। मैं समझा चुकी हूँ, अगर आपने पिछले लेक्चर दिए हैं तो आप डेफिनेटली इसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने हमें क्वालिफिकेशन ऑफ पोएट बताई थी कि एक जो कवि है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो कवि होता है उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो पहला उसने कहा था नेचुरल विट, कि उसमें नेचुरल वे से विट हो, विट होता है बुद्धिमान वाली बातें। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं नॉर्मल कहूँ कि यार अक्कल एक्सपीरियंस से आती है एंड ऑल, और एक मैं ऐसी स्टेटमेंट कहूँ अक्कल ना बादाम खाने से नहीं आती है, धक्के खाने से आती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल हम कह रहे हैं एक्सपीरियंस से आएगी एंड ऑल, तो वो थोड़ा नॉर्मल सी बात लगती है, पर उसी को मैं ऐसे कहूँ बादाम खाने से अक्कल नहीं आती, धक्के खाने से अक्कल आती है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट थी इट वाज बेसिकली अ विटी स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपका इंटेलेक्ट चल, आपका दिमाग लगता है, कुछ सॉलिड सी वर्डिंग आप यूज़ करते हो। सो पोएट्स की क्वालिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट बेन जॉनसन ने दिया था उसमें नेचुरल विटीनेस होनी चाहिए, प्राकृतिक तौर पर उस पर क्षमता होनी चाहिए कि वो ऐसी स्टेटमेंट बोल सके, ठीक है। नेक्स्ट लेबर, ऑब्वियसली मेहनती वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के राइटर बन सकता है, राइटिंग इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेहनती होना चाहिए। तीसरा इमिटेशन, तो आप सब जानते हैं पोइट्री को लेकर बार बार आता है इमिटेशन है इमिटेशन है, इमिटेशन यानी कि आस पास की नकल है, तो ये तो है। एक पोएट में कैपेसिटी होनी चाहिए, एक नॉर्मल इंसान जो देखता है और ये जो पोएट देखता है, पोएट में कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जल्दी से ग्रेस्प कर ले वो अपने आस पास क्या दिख रहा है, और जल्दी से इतनी क्षमता रखे जो भी उसने देखा है, जो भी ग्रेस्प किया है, उसको शब्दों में बुनोकर वो कविता लिख दे, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन में और एक पोएट में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल पर्सन भी वही चीज़ देख रहा है, पोएट भी वही चीज़ देख रहा है, पर पोएट जो भी देखता है उसको इमिटेट करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसको वो अपने काम में
ढाल पाता है, उससे कविता लिख पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या कहा था, देखो, एग्जैक्टनेस ऑफ स्टडी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीडिंग। तो उसको एग्जैक्ट ये भी पता होना चाहिए कि उसको क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है, और उसको बार बार रीड भी करना चाहिए। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, मैं एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ, मेरे गुरु हैं जो नूतन सर हैं, एक्चुअली मैं हिंदी में पोइट्री लिखती हूँ, तो हमारे नूतन सर हैं, उनके नॉवल पे वो एक पुरानी मूवी भी बनी है, गीत गाया पत्थरों ने। ठीक है, तो वो हमेशा कहते थे कि एक राइटर कभी भी राइटिंग से नहीं बनता, एक राइटर तभी अच्छी राइटिंग कर सकता है जब वो बार बार स्टडी कर रहा है, बार बार पढ़ रहा है, एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीडिंग कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो उसको एग्जैक्ट पता होना चाहिए उसको क्या पढ़ना है, एग्जैक्टनेस ऑफ स्टडी, जो जॉनर वो लिखना चाहता है उस जॉनर से संबंधित पढ़ना और सही पढ़ना उसे पता होना चाहिए, और साथ में मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीडिंग, उसे बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे और एग्जैक्ट पढ़ोगे जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो ना ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी राइटिंग में आती हैं। आप कई बार देखना, कोई राइटर, हम सोचते हैं यार ये कहाँ से ये वर्ड्स लेकर आया, कहाँ से ये ऐसा लिख लेता है, वो कहाँ से लेकर आया, वो कहाँ से लिख लेता है, क्योंकि वो सिर्फ लिखता नहीं है, वो सुनता भी ध्यान से है, पढ़ता भी ध्यान से, और बार बार उसमें रीडिंग हैबिट होती है। तो ये बहुत ही की फैक्टर उन्होंने शेयर किया था। और लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा है, ऑब्वियसली आर्ट ऑफ राइटिंग, भाई कवि है तो लिखने की कला तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो पोएट की क्वालिफिकेशन क्या क्या है, नेचुरल विट, नेचुरल वे से बुद्धिमान बातें कर सके, लेबरर, मेहनती हो, इमिटेशन, आसपास की चीज़ों को तुरंत इमिटेट करके लिख सके, एग्जैक्टनेस ऑफ स्टडी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीडिंग, उसको एग्जैक्ट पता हो कि मैंने क्या पढ़ना है और बार बार वो उसको पढ़े, और साथ में आर्ट ऑफ राइटिंग उसमें हो। तो दोस्तों, ये है हमारा सारा बेन जॉनसन का क्रिटिसिज्म। इसको अभी क्लास में करने के बाद एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ से जो भी पॉइंट्स मिलेंगे नोट डाउन कर लेना, उसके बाद इसी पे ही एमसीक्यू भी गूगल पे सर्च करके कर लेना, और साथ में बहुत सारे एमसीक्यू आपको ऐप पे भी दिए गए हैं, वो भी आपने कर लेने हैं। तो फिर इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन, अगर ये दिल से पढ़ाया, आपके भी दिल तक गया है ये कलरफुल कंटेंट, ये पढ़ाने की टेक्निक, दिमाग में घुसाने की टेक्निक, ये फोटो शोटो अच्छे लगे हों, तो दोस्तों ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सब बडीज़ के साथ जो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करना चाहते हैं। साथ में अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं इंग्लिश NTA पेपर 2 में ऐसे ही पढ़ते हुए, तो आज ही इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई डाउनलोड करिए, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर दोस्तों मात्र 2499 पे आपका कंप्लीट इंग्लिश NTA का पेपर मौजूद है। ये कंप्लीट पेपर है, इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, और ये कोर्स पूरा अगर आप देखें तो आप सिर्फ 200 पर मंथ इसको पे कर रहे हो। ठीक है, जहां पे आपकी पूरी क्वांटिटी एंड क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, कंप्लीट कोर्स है, यूनिट वाइज प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट MCQs, PYQs, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो आज ही आप इसको इनरोल करिए, और ये श्योर करेगा आपका नेट विद GRF। बस ध्यान रखिएगा, जैसे ताली दो हाथों से बजती है ना, तो ताली का एक हाथ मैं हूँ, एक आप हैं, मैं आपको गाइड करूँगी, सब कुछ करूँगी, आपको कोई किताब भी नहीं लेनी, कुछ भी नहीं लेनी, बस आप भी अपना हाथ जो जो गाइड करूँगी करते चलो और एग्ज़ाम क्लियर करो। साथ में दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इसे वाकई जो सीरियस कैंडिडेट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें, डेफिनेटली हमारी टीम आपको गाइड करेगी। और इसके अलावा दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल, आप सब जगह भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के लिंक में दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, और यूं ही हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते, टेक्निक जो हमारी निंजा टेक्निक है के साथ आगे बढ़ते हुए, खुद भी खुश रहिए और बाकी सबने भी खुशियां बांटते हुए ज़िंदगी बिताते रहिए। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेंगे आने वाले एक और ऑसम लेक्चर के साथ। टेक केयर।